नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट। आज हम बात करेंगे ढाई करोड़ रेल यात्रियों का दुश्मन कौन। माहौल टाइट में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज का। कानपुर में गोधरा जैसी साजिश सामने आई, यहां बड़े बड़े हादसा होते होते टला, जी हां बड़ा हादसा होते होते बच गया है। कानपुर में कालंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश रची गई, रेल के सामने ट्रैक पर, एक बात गौर से सुनिएगा, रेल के सामने ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद रेल सिलेंडर से जा टकराई। इसके साथ ही ट्रैक के किनारे पेट्रोल, माचिस और बारूद मिला है। आप सोचिए, सिलेंडर, माचिस, बारूद, पेट्रोल, ये क्या हो रहा है। इसके बाद इसे एक साजिश से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह पटरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेन पलटने की साजिश हो रही है, वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सवाल यह है कि क्या गोधरा जैसी साजिश थी। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट। क्या कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश थी? कौन है वो लोग जो ट्रेन को पलटना चाह रहे थे और क्यों बार बार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रखे एक एलपीजी सिलेंडर से टकराई है, जिसके बाद जोरदार धमाका भी हुआ। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। ये घटना अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर हुई है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को जांच में पटरी से जो चीजें मिली वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। पटरी के पास से पुलिस को पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद बरामद हुआ है। अभी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। आतंकी साजिश के शक के बीच एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटीएस की कानपुर और लखनऊ यूनिट ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, सभी पहलुओं को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। उधर इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, पूछा कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है, सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है, केंद्र में किसकी है, फिर भी साजिशें हो रही हैं। 11वां साल है सरकार का, हर 15 दिन में एक स्टोरी प्लांट कर देते हैं या लीक कर देते हैं। भाई अगर आपके पास सूचना है तो एक्शन क्या लिया आपने, जरा बताइए। कहां है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आपको समय पे नहीं बता पाती हैं, क्या हो रहा है। कानपुर में हुई ये वारदात एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। आखिर कौन वो लोग हैं जो बार बार पटरियों को निशाना बना रहे हैं? तो चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं आखिर कानपुर में हुआ क्या था। जी हां, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एनिमेशन से पूरी एक जो रिपोर्ट है वो समझाने की कोशिश करेंगे। हादसा होते होते बचा। दरअसल कालिंदी एक्सप्रेस जिसका नंबर था, ये देखिएगा एनिमेशन के जरिए, ये कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही है, 14117 इसका नंबर है। और देखिए जो कानपुर से भिवानी जा रही थी अचानक पटरी पर रखी थी, ये देखिए सिलेंडर से टकरा गई। समझिएगा एनिमेशन के जरिए, जैसे जोर की आवाज हुई लोको पायलट ने ट्रेन रोकी, उसके बाद जो कुछ दिखा वो चौंकाने वाले था। या सिलेंडर था, या देखिए डिब्बे में बारूद भी था, माचिस भी थी। ये उसके बाद जब ट्रेन रोकी गई, अच्छी बात ये रही कि वो फटा नहीं। सोचिए अगर सिलेंडर, आप सोचिए सिलेंडर अगर फट जाता तो फिर क्या होता। मिठाई के डिब्बे में बारूद, पेट्रोल, बोतल और माचिस। सिलेंडर फटता, बारूद, फिर पेट्रोल, यानी आग कितनी तेज भड़कती और कहीं ना कहीं ये ट्रेन को अपनी चपेट में ले लेता। देश में हर रोज करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं और आपको बता 13,500 ज्यादा ट्रेनें रोज चलती हैं। ऐसे में ट्रेन डिरेल करने की साजिश बेहद खतरनाक है। अब थोड़ा आपको बताते हैं जहां पर जो साजिश की बू आई, जो हादसे हुए, उसके थोड़े बिंदु आपको समझाते हैं। प्रयागराज में आपको याद होगा गुलजार सिंह गिरफ्तार, रेल यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया था, कोशिश की थी रेलवे ट्रैक पर पत्थर और मुर्गी रखते वीडियो बनाया था, ये क्योंकि पत्थर आप रखेंगे तो फिर हादसा हो सकता है। 22 अगस्त को एक और ट्रेन हुई थी रेल ट्रैक पर पत्थर और मुर्गी रखते, आपको मैंने बताया। 22 अगस्त को 2024 में मामला आया, अलीगढ़ में अफसान नाम का युवक गिरफ्तार हुआ था।
उसने ट्रैक पर अलॉय व्हील रखने का, अलॉय व्हील आप सोचिए कितनी मजबूत होती है, उसके बाद हादसा तय है। 22 अगस्त 2024 को रेल पटरी से उतारने की साजिश हुई थी। तो ये वो दो तीन घटना है जो इशारा करती हैं, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं साजिश क्या रची जा रही है, इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे तमाम, उनका रुख करेंगे कानपुर से। हमारे साथ आपको बता दें परवीन पांडे रहेंगे, हमारे साथ अतुल यादव गोंडा से जुड़ेंगे, आकाश हमारे साथ मुरादाबाद से रहेंगे, पीयूष हमारे साथ गाजियाबाद से रहेंगे, दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी। पहले परवीन का रुख करेंगे जहां ये घटना हुई। परवीन पांडे बताएंगे कि अभी तक क्या अपडेट आ रहा है और क्या शंका, क्या आशंका लग रही है, क्या ये एक साजिश है, जो सामान बरामद हुआ वो इस तरफ इशारा कर रहा है। जी परवीन आप सुन पा रहे हैं मुझे? चले हम वाराणसी का रुख कर लेते हैं। दिनेश वाराणसी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। बात करें तो आज कालंदी एक्सप्रेस में के दौरान ट्रैक पे जो घटना सामने आया है, जिस तरह का ये वाकई काफ़ी चिंतनीय विषय है। हम इस समय वाराणसी में मौजूद है, ठीक कैंट स्टेशन के सामने, और यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। जिस तरह से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, आज आपको मालूम हुआ कैंट कानपुर स्टेशन पर फिर एक बार बरामद हुआ विस्फोटक सामान, क्या कुछ मानना? मतलब इस तरह की घटनाएँ जो बार बार हो रही हैं, इसके पीछे तो मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी साजिश का काम हो रहा है, और सरकार को, पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय जाँच करना चाहिए। दिल्ली से टीम को आके जांच करना चाहिए इसके पीछे किसका हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं जो इनपुट मिल रहा है आतंकवादी घटनाएं हैं? यदि आतंकवादी घटनाएं हैं तो उन गुनाहगारों को निश्चित पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन डिरेल होने पर हजारों मौत का जिम्मेदार कौन होगा? रेल प्रशासन होगा कि आतंकवादी होंगे? उनका परिवार का टूटना क्या ये कहता है? बिना जाँच किए किसी भी निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुँच पाएगी। राजनीतिक भी हो सकता है, आतंकवादी भी हो सकता है। यदि ये कह दिया जाता है छोटे बच्चों द्वारा किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो इस तरह का काम करवा रहा है और हमारी और रेल यात्रियों की जान की सुरक्षा की खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है एक रेल जिहाद की तरह ये सामने आने पा रहा है, क्या मानना आपको है? जो लगातार इस तरह अभी 15 दिन पहले फिर अब दोबारा जो है विस्फोटक सामान वहाँ पर मिला है, कालंदी एक्सप्रेस को एक तरह से डिरेल करने की कोशिश की गई है, क्या मानना है? ये मानना है जनता को खिलौना लोग बना रखे हैं राजनीति वाले लोग, जो राजनीति कर रहे हैं जनता के साथ, पब्लिक के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जिंदगी से खेला जा रहा है। इसको जल्द से जल्द इसको जाँच किया जाए, इन सबों को पकड़ के जो है जेल के अंदर करना चाहिए। और यात्री अब सफर करने में डरने लगे हैं, अब प्रशासन और शासन पर अब सवाल उठने लगा है, जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आपका क्या मानना है, जिस तरह से अब तो रेल यात्रा करने में डर लग रहा है कब डिरेल हो जाए, कब ट्रेन हादसा हो जाए, तो इस तरह की को लेकर के जो हो रहा है कानपुर में आज दूसरी बार हुआ है, क्या मानना है? भारत में जो यातायात व्यवस्था है 75% लोगों को आने जाने की व्यवस्था रेल द्वारा ही निर्धारित होती है, चाहे आम आदमी हो चाहे VIP आदमी हो, बिना रेल के भारत में आवागमन संभव नहीं है। जो ये घटनाएं हो रही है दुखद घटना है, प्रशासन को भी इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रशासन को देखिए सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ जगह जगह सहयोगी हम लौटेंगे, हम पहले कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर के इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है परवीन? जी मैं तो जेपी बताना चाहेंगे जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से लगातार कई एजेंसियां हैं वो पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। सिर्फ NIA है जो लगातार संबंधों की यहां पर बातचीत कर रही, लगातार NIA भी जांच करने के लिए आ सकती है। फिलहाल ATS, RPF, पुलिस के जवान और IB की टीम, डॉग स्क्वाड सब जांच कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कानपुर में ये दूसरी घटना है, एक महीना बीता भी नहीं था अभी, चूंकि जिस तरीके साबरमती डिरेल हुई उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, ऐसे में ये बड़ी घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया जाता, लेकिन शायद जो व्यक्ति इसके पीछे रहा होगा उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि एक LPG भरा सिलेंडर अगर ट्रेन से टकरा पूरी तरीके से, अगर ट्रेन की स्पीड जो बताई जा रही, वहां के ड्राइवर से जो हमारी बातचीत चूंकि हुई थी उन्होंने बताया था कि 70 के स्पीड से ट्रेन थी, उसके बाद LPG का भरा सिलेंडर बीचों बीच ट्रैक पर रख दिया गया, टकराता है, उसके बाद स्लीपर पे रगड़ते हुए उस साइड में खड़ा सिलेंडर गिर जाता है, पास में बोतल ज्वलनशील पदार्थ था, बारूद मिले हैं,
ये सब चीजें साफ तौर पे जाहिर करती हैं, एक बड़ा मंसूबा था जो कामयाब नहीं हो सके। मतलब यानी कि साबरमती क्या नाम है, कालिंदी, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। एक बड़ी खबर बता दे, कानपुर से ही जुड़ी है, रेल साजिश मामले में FIR दर्ज। रेलवे ने शिवराजपुर थाने में दर्ज कराई है FIR, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई है FIR। सिलेंडर से टकराई थी कालिंदी एक्सप्रेस, ट्रैक के पास से पेट्रोल बारूद माचिस मिले थे, तो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभी मामला दर्ज किया है। सिलेंडर से टकराई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, क्योंकि ट्रैक के पास पेट्रोल माचिस मिले थे, सिलेंडर से आप सोचिए ट्रेन टकराई थी। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। पीयूष, पीयूष लगातार इस तरह की घटना है, ऐसे में रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद भी एक जंक्शन है और लोग क्या देखते हैं इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं और देखिए लोग लगातार जो अपना सफर है वो पूरा करके आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि डिरेल करने की साजिश के पीछे कौन है, सीधे जो यात्री आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैं एक मिनट रुकी, रेल कितनी सुरक्षित है जिस तरह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, कानपुर में जो हादसा आया सिलेंडर सामने रख दिया गया, किसने रखा तो मैंने उसको भी देखा नहीं, हम तो ऑफिस में थे, गैस से मैकेनिक खबर सुनी होगी, आपने सुनी क्यों नहीं, सिलेंडर किसने रख दिया? हाँ, पटरियों पर सिलेंडर रखा गया, तो साजिश के पीछे कौन मानते, कौन बार बार ट्रेन को ड्रेल करने की साजिश कर रहा है? ये तो हम देख सकते हैं, बैड एलिमेंट ही होंगे, ऐसे बैड एलिमेंट होंगे। देखिए निश्चित रूप से कुछ और लोग भी हैं, सीधी उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप रेल से सफर करते हैं भैया? नहीं, मैंने दे सकता। अच्छा, रेल से? अच्छा, आप बताए भैया, रेल से सफर करते हैं आप? अच्छा, ये कानपुर में जो हादसा हुआ है, पटरी पर सिलेंडर रख दिया गया, पटरी से उतारने की साजिश की गई, कौन लोग जिम्मेदार है, क्या समझते हैं आप? अच्छा, देखिए शायद यात्री है, बोलना नहीं चाह रहे, कुछ और लोगों से सीधी बातचीत करते हैं। आप ट्रेन से सफर करते हैं भैया? अच्छा, ट्रेन से आ रहे हैं आप, ट्रेन से आ रहे हैं। अच्छा, ये पटरी पे कानपुर में एक ट्रेन के आगे भरा हुआ सिलेंडर रख दिया, कितनी सुरक्षित मानते हैं, डर लगता है क्या सफर करते हैं? हाँ, डर तो लगता है, ऐसी बात है, मतलब कि ट्रेन ऐप में देख रहे थे, तो उसमें भी मतलब कि दिखा रहा था कि सिलेंडर। चलिए हम लौटते हैं आपके पास, देखिए तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि डर तो लगता है। गोंडा का रुख कर लेते हैं, गोंडा में भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जड़ू है अतुल यादव। अतुल, जरा लोगों से पूछिए कि ट्रेन में सफर करना कहीं ना कहीं अब चैलेंज का बन गया है, क्योंकि साजिशें सामने आ रही हैं। से एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। देर रात कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया है, कुछ लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या ये हिंदू मुसाफिरों की मौत को लेकर के साजिश, क्या क्या रेल जागृत तरीके से आपको लग रहा है? बिल्कुल, हमें तो ऐसा लग रहा है कि विगत कुछ दिनों से लगातार रेल को डिरेल करने का एक रेल जिहाद का कार्यक्रम जिसे चल रहा है, जो देश विरोधी ताकतें हैं इस भारत को अस्थिर करने की जो है कुचक रच रही हैं। और हम चाहते हैं कि रेल एक सुरक्षित माध्यम, जो भारतीय जनता के लिए एक सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है, इसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। आपको लगता है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं जो लगातार इस तरीके साजिश कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लोग हो सकते हैं जो हिंदू हिंसक बोल सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो इस देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं और पीडीए जैसे पोषक तत्वों को ला करके और अपने को, अपनी सीट को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ही ऐसे कार्यों में संलिप्त होने की संभावना है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कितना रेल सुरक्षित लगातार इस तरीके से डिले करने का प्रयास किया जा रहा है? अब इसमें जो भी चल रहा है ये तो बहुत दुखद ही है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि लगातार रेल जिहाद करके बड़ा प्लान करने का प्रयास किया, लगातार रेल के ट्रेन की? ये बात सब तय है कि कुछ दिन से, पिछले एक वर्ष से, छह महीने से रेल जिहाद टाइप का कुछ मामला काफी न्यूज के माध्यम से सुनाई दे रहा है। ये बात सत्य है कि लगातार ट्रेन में जो हादसे किए जा रहे हैं, ट्रेनों के लिए लगातार रेल की साजिश रची जा रही है। ये बात सत्य है कि एक बार ये 2002 में एक बार गोधरा कांड हुआ था, ट्रेन जलाई गई थी, उसके बाद ये बड़ा हादसा, ये किस प्रकार आतंक फैलाया गया, स्लीपर सेल के माध्यम से कुछ देश में जिहादी लोग आ गए हैं और जो लगातार रेल को डिरेल करके देश की जनता में भय व्याप्त करना चाह रहे हैं, हिंदू जनता को और डराना चाह रहे हैं कि रेल आपके लिए खतरे। चलिए, लोग भी गोंडा के, देखिए लोग मान रहे हैं कि हो सकता है ये साजिश हो, ये लोग मान रहे हैं। मैं लौटूंगा एक बार मुरादाबाद का रुख कर लेता हूं, मुरादाबाद भी एक बड़ा जंक्शन है। आकाश, ये लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत सारी घटनाएं आई हैं जो हमने दिखाई भी हैं लोगों को, क्या मानते हैं लोग, जरा बात करिए, और क्या एक साजिश का हिस्सा हो सकता है?
भी सामने आया है कि ट्रेन के आगे स्पोर्टर पदार्थ रखिए, वहाँ पर प्लांट रखिए, ये पूरा कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है और कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में मेरे बाद रेलवे स्टेशन के बाहर इस समय भी मौजूद है और इसी तौर पर जो यहाँ पर यात्रा करने वाले हैं हम उनकी भी चीज़ें बात कर लेते हैं। आप लोग क्या रेल से सफर करते कितना सुरक्षित करते हैं? आपकी जानकारी में शायद आया हो कि आज कानपुर में जो है ट्रेन के आगे जो है चलिए देखिए तकनीकी खराबी की वजह से कुछ आवाज नहीं आ पा रही है। इस पीछे एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता दें कानपुर ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया, कानपुर में गोधरा जैसी साजिश हो सकती है। गिरिराज सिंह ने कहा ट्रैक पर सिलेंडर संयोग नहीं प्रयोग बताया उन्होंने, ये कहा ड्राइवर ने गोधरा कांड होने से बचा लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान योग है और ये प्रयोग के ऊपर कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। कालंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी आपने सही कहा, मैं ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने गोधरा कांड होने से बचा लिया, क्योंकि सिलेंडर फटता, बारूद रखा हुआ, पेट्रोल रखा हुआ, माचिस रखा हुआ, ये गोधरा बनाना चाहते थे। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। क्या टूलकिट का डायरेक्टर कांग्रेस है? अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती, टुकड़े टुकड़े गैंग का किसी का जुबान नहीं खुलता। तो देखिए कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी परवीन भी जुड़े हुए हैं और परवीन का रुख कर लेते हैं। परवीन, अभी अभी इस मामले में क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया? इस तरह की बातें आपने बताई थी कि 14 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है, कोई ऐसे सबूत इस तरह की कोई बातें निकल कर आ रही हो कि हाँ ये साजिश थी कहीं ना कहीं ट्रेन को पलटाने की? जी बेशक, क्योंकि पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को हिरासत में लिया है और ये वो लोग हैं जो अलग अलग स्थानों का आसपास के गांव के लोग हैं। 4 लोगों को लखनऊ से उठाया गया है, साथ ही इनको संदिग्ध मानते हुए पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम ने जिस तरीके से जांच करी, यानी घटना स्थल से चारों तरफ के जो एरिया से वहां गई, लेकिन पुलिस को एक नाकामयाबी ये मिल गई डॉग स्क्वाड को कि डॉग स्क्वाड के आने से पहले बारिश हो गई और तमाम वो लोग उस जगह घूम चुके थे, इसलिए उनको जांच वो चीजें नहीं मिल पाई। फिलहाल जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, ये वही जगह है जहां 5 साल पहले ठीक 5 किलोमीटर दूरी पे इसी ट्रैक को आरी से काटने का प्रयास किया गया, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। तो ये घटना कोई सोची समझी साजिश है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। एजेंसियां जांच कर रही है, सिराजपुर थाने में लगातार लोगों से पूछताछ चल रही है, कई टीमें और रवाना है जो लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है। बिल्कुल धरपकड़। दिनेश हमारे साथ, दिनेश क्योंकि वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण सीट है और लोकसभा सीट के हिसाब से देखें वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है, बड़ा जंक्शन है, हजारों लाखों यात्री यहां से गुजरते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे इस तरह की घटनाओं को लेकर अब अलर्ट भी नजर आ रहा है या नहीं? वाराणसी जंक्शन है, यहाँ 3-3, 4-4 स्टेशन है जहाँ से हजारों की संख्या में रोज लोग यात्रा करते हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद आज जो हम जब स्टेशन पहुँचे हैं तो देखने को मिला है कि लोग बिल्कुल सहमे नजर आए, लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एक तरह से अलर्ट देखी यहाँ की आरपीएफ की बात करें, रेलवे पुलिस फोर्स है, जीआरपी आज जो है अलर्ट दिखी है। तो खासकर इसमें आरपीएफ ट्रैक पर जो ये हादसे हो रहे हैं, ट्रैक को के सहारे डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर के अब आरपीएफ को काफ़ी सजग रहना होगा। इस बाबत हम आप अभी बता रहे थे जो कानपुर में जो डिरेल करने की कोशिश की गई है, बाकायदा विस्फोटक सामान रखा गया था, सिलेंडर रखे गए थे, पेट्रोल रखे गए थे, अब ऐसे में यात्रा करने में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये जनता के बीच में भय का वातावरण बनाया जा रहा है, या तो आतंकवादी संगठन बना रहा है या राजनीतिक दल का कोई बना रहा है, लेकिन प्रशासन को, जिला प्रशासन को भी इसमें हाथ बटाने की जरूरत है, आरपीएफ को विशेष रूप से बटाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का वातावरण अगर बनेगा तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। लोगों में इतना भय व्याप्त है कि अपने यहाँ स्टेशन पर बैठ रहे हैं तो आगे पीछे ताक रहे हैं, पहले ये था कि आराम से गमछे
गमछी बिछा के थोड़ा देर आराम भी कर ले रहे थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी है कि लोग भौचक्के की तरह ताक रहे हैं। कोई आदमी अपने बच्चों को लेकर बीबी को लेकर जाने लगता है तो डर के मारे वो सोच रहा है क्या होगा, माने हम पहुंच पाएंगे कि रास्ते में रह जाएंगे। जब विस्फोटक ट्रैक पर ही मिल रहा है और घटनाएं करने के लिए लोग उतारू हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो पूरे जनमानस के लिए, भारत की जनता के लिए दुखद है। और ऐसी परिस्थिति है कि सशक्त भारत, समृद्ध भारत की जो बात चल रही है, सुरक्षित भारत की बात चलनी चाहिए। अगर सुरक्षित भारत की बात चलती है, जनता सुरक्षित रहेगा, तब समृद्ध होगा आदमी। अगर सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित भारत की बात होनी चाहिए थी। क्या मान रहे हैं साजिश, जो इस तरह की वारदात घटना सामने देखने को मिली, ये साजिश का हिस्सा है, क्या कुछ मानना है और कितना सहमे हैं हुए हैं आप लोग इससे? निश्चित ये साजिश का हिस्सा ही है और ये एक तरह से अल्टीमेट कर रहा है, हमको आपको जगा रहा है कि ये घटना दोबारा न हो, क्योंकि विगत कई वर्षों पूर्व बनारस जंक्शन पे भी बम विस्फोट हुआ, वो तो एक आतंकवादी घटना थी। अब रेलवे ट्रैक पर ये साजिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमको, पुलिस प्रशासन को, शासन को जागना पड़ेगा, तभी जनता सुरक्षित रहेगी और परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। जी रेलवे ट्रैक की बात करें तो काफ़ी लंबा, कई जगह गांव गिराओं से होकर जाता है, जंगलों से होकर जाता है, कहीं कुछ भी रखा जा सकता है। क्या मामला, कितना सुरक्षित रह गया है? और खासकर बनारस की बात करें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। ये जो है किस घटना होने के बाद ये प्रशासन टाइट होता है, बिल्कुल देखिए घटना होने के बाद प्रशासन जागता है, ऐसे में रेलवे प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है इस तरह की जो घटना आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए।